सुंदरी माँ अम्ब दया सागरी माँ सुगुण मनोहरी माँ अम्ब जगत जननी माँ। त्रिपुर सुंदरी माँ पार्वती जी की स्तुति से आइए इस दिन को और पवित्र और सुंदर बनाएं। आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी के साथ अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में। धर्म के प्रचार के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में चार मुख्य मठों की स्थापना की। इन मठों को उनके चार मुख्य शिष्यों ने संभाला। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी जैसे मठ उन्होंने स्थापित किए। श्रृंगेरी मठ की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा या माँ सरस्वती हैं। आज भी ये जगह शारदा पीठ के नाम से जानी जाती है। ये प्राचीन तपोस्थली त्रेता युग में ऋषि विबंधक और उनके पुत्र ऋषि ऋषिशृंग का आश्रम हुआ करता था। वही ऋषिशृंग जो राजा दशरथ के जमाई थे और जिनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने से ही इस पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। कहते हैं जब पहली बार आदि शंकराचार्य इस आश्रम में आए तो उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा दृश्य देखा। एक मादा मेंढकी को सूर्य की कठोर किरणों से बचाने के लिए एक सर्प अपने फन फैलाए बैठा था। ऐसा तेज था इस तपोभूमि का कि भक्षक भी रक्षक बन जाता है। आज भी शारदा पीठ में अनेक विद्यार्थी वेदाभ्यास करने के लिए आते हैं। भगवती के सौंदर्य की कल्पना मात्र से समाधि लग सकती है ऐसा कहते हैं। ऐसा वर्णन करने वाले अगले श्लोक बांझपन से मुक्ति दिलाने का और कवि तत्व शक्ति में वर्धन कराने का सामर्थ्य रखते हैं।